नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चेहरे पे झुर्रियाँ आने की जो शुरुआत होती है वो आंखों से स्टार्ट होती है। आंखों के आसपास की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, तो आंखों के यहाँ गहरी लाइंस पड़ने शुरू हो जाती हैं, जिन्हें क्रोफिट भी बोला जाता है। यहाँ से जो शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे माथे पर हमारी लाफ लाइन्स, हमारे लिप्स के अराउंड और इसके बाद हमारी गर्दन। इस दुनिया में कोई भी इंसान ये कभी नहीं चाहता कि उनके चेहरे पे झुर्रियां आए और वो बूढ़े दिखे। जैसे झुर्रियां आने स्टार्ट होती है, हर किसी की ये कोशिश होती है कि इनका आना भी टाला जाए और जो आई है उनको ठीक किया जाए। अब से 10-11 साल पहले मेरी आंख के आसपास में, आपके यहाँ ये राइट साइड में 3 गहरी लाइनें थी, 2 यहाँ लेफ्ट आई पे थी। एक दिन मेरी बेटी और मैं बैठे हुए थे छत पे, मेरी बेटी ने नोटिस कराया कि मेरी आंखों के यहाँ पे गहरी लाइंस पड़ी हुई हैं। जब मेरी बेटी ने ध्यान दिलाया तो मेरा ध्यान गया। उससे पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे फेस पे इस तरह से लाइन भी आ गई है। आप मुझे देख भी सकते हैं कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, तो बहुत ज्यादा मैं अपनी स्किन का ध्यान भी नहीं रखती थी। और उसके कहने के बाद जब मैंने नोटिस किया, मुझे बड़ा धक्का लगा कि मेरी तो एज भी नहीं है अभी झुर्रियां आने की। मैंने उसके लिए कुछ चीजें की और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। सबसे पहले जानते हैं हम इसके पीछे रीजन। जो 3 प्रकृतियां होती है, वात पित्त और कफ, उनमें से जो वात प्रकृति के लोग हैं उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे सबसे पहले झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होती है और पतली होती है कंपैरेटिवली बाकी दोनों के। वात प्रवृत्ति के जितने भी लोग होंगे उन सब की स्किन पतली भी होगी और उनकी स्किन ड्राई भी होगी। कई लोगों की तो एक्सट्रीम ड्राई होती है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा वात होता है। बहुत कम एज में ही इन लोगों के फेस पे झुर्रियां आने शुरू हो जाती है। बहुत केसेस में तो 20+ में ही इनके झुर्रियां आने शुरू हो जाती है। बहुत लोगों की 30s में जाके आती है, लेकिन इससे ज्यादा लेट नहीं होता, बहुत ज्यादा जल्दी इनके फेस पे झुर्रियां आने शुरू हो जाती हैं। तो पहला रीजन था ड्राइनेस। दूसरा जो रीजन होता है, जब हम तेज धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी आंखों को धूप की वजह से नुकसान ना हो, वो अपने आप को थोड़ा सिकोड़ लेती हैं। और जब आप लगातार कई घंटे धूप में बने रहोगे और रोज आप रूटीन में जाओगे, तो वो जो सिकुड़न है वो परमानेंटली आपके आंखों के आसपास रह जाते हैं, वो ही आगे रिंकल्स का कारण बनते हैं। इसलिए जब भी आप धूप में निकले, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, आप हमेशा सनग्लासेस पहन के जाएंगे, क्योंकि जब आप सनग्लासेस पहने रखते हो आपकी आंखें नहीं सिकुड़ती हैं। और जब आपकी आंखें नहीं सिकुड़ती हैं तो जो आंखों के आसपास झुर्रियां, जो ये आपकी आंखें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिकुड़ती हैं, ना वो सिकुड़ेंगी और ना ही झुर्रियों का फिर आगे आने का रीजन बनेगा। तीसरी एक और वजह होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। जब हमारी आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं या किताब पढ़ रहे हैं या कोई और चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी आंखें फोकस बनाने के लिए थोड़ा सिकुड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखना है। अगर हम अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे, अपनी आंखों की देखभाल करेंगे, तो ये बहुत उम्र तक इनकी रोशनी बनी रहेगी, हमें चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कैसे मेरी नजर जब कमजोर हुई थी तो चश्मे का नंबर आ गया था, वो चश्मे का नंबर हटाया है अपनी आंखों से, और मैंने अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल की हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तो क्या क्या ख्याल रखना है, धूप में निकलते वक्त आपको आंखों पे काला चश्मा लगाना है, दूसरा आपको अपनी आंखों की देखभाल भी करनी है, और जो मैंने आपको ये बताया कि वात प्रकृति के लोगों की जो स्किन है वो बहुत ड्राई होती है और बहुत जल्दी इस पे रिंकल आते हैं, इसके लिए हमें अपने शरीर में वात को कंट्रोल करने की चीजें खानी पड़ेगी। नंबर 1, हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। जो तिल है, सफेद तिल, तिल बहुत गर्म होते हैं, तो अभी गर्मियां आ गई हैं, गर्मी में इसको खाने के लिए हमें 1 बड़ा चम्मच तिल
रात को पानी में भिगो देना है। सुबह हमें नाश्ते से पहले उसे खूब चबा चबा कर खाना है, बहुत महीन कर देना है वो चबा चबा के। इन्हीं तिलों के साथ हम 5 बादाम भी भिगो सकते हैं और वो भी खा सकते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारी वात की प्रकृति है उस प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए तिल से अच्छी कोई चीज नहीं है। आप ये जो तिल खाएंगे, इन तिलों के अंदर भरपूर तेल होता है और वो ही तेल हमारे वात को कंट्रोल करेगा, हमारे वात को शमन करेगा। और जब हम तिलों का यूज करते रहेंगे वो तेल हमारी स्किन पे भी आएगा और जो हमारी स्किन है धीरे 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 उसकी चिकनाई बढ़ेगी और झुर्रियों का आना रुकेगा। आप नियमित रूप से तिल खाएंगे, आप देखना कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पे आने वाली जो झुर्रियां हैं वो रुकेंगी और लेट होंगी। बहुत टाइम बाद आपके चेहरे पे झुर्रियां आने शुरू होंगी या बहुत टाइम बाद आपका चेहरा मैच्योर लगना शुरू होगा। इसके साथ ही साथ आप एंटी एजिंग सीरम बना के रखिए अपने घर पे, जो तिल के तेल से ही बना हुआ है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बनाना सिखाया था, आप प्लीज आई बटन में उसके लिंक पे जाके वो वीडियो देखिए। वो सीरम या ऑयल कह सकते हैं उसे, वो सीरम बना के रखिए, अपने पूरे फेस पे लगा के उसको रात को सो जाइए। आप उसे दिन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन उस सीरम के रिजल्ट हैं। आप रात को लगा के सोएंगे, आपके चेहरे पे कुछ ही दिनों में आई हुई झुर्रियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा मैं अपनी आंखों के प्रेशर पॉइंट्स दबाती हूँ। वो प्रेशर पॉइंट दबाने के बाद जब वहां ब्लड का फ्लो आता है तो वो यहाँ के आसपास की झुर्रियों को बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि जहां जहां ब्लड का जाना रुक जाता है, ब्लड में घुला हुआ जो कोलेजन है वो आना रुक जाता है या कम पड़ जाता है, तभी हमारे फेस पे झुर्रियां आती है। तो मैं रोज प्रेशर पॉइंट दबाती हूँ। जब इनसे मुझे और जो दो बड़े फायदे हुए हैं वो ये हुए हैं, पहला मेरी आंखों की रोशनी ठीक हुई है, दूसरा मेरी आंखों के नीचे आई बैग्स आ गए थे, बहुत मोटे मोटे और बहुत पफी पफी आईज मेरी दिखती थी, बहुत ही भद्दे लगने शुरू हो गई थी मेरी आंखें, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गई है। और उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की वजह से ही मेरी आंखों के आसपास जो झुर्रियां आई थी वो भी खत्म हो गई है। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो वो प्रेशर पॉइंट मैं फिर से दबाना सिखा देती हूँ। मैंने पहले भी अपनी पफी आईज की और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली वीडियो में ये प्रेशर पॉइंट बताए हुए हैं। चलिए मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। ये प्रेशर पॉइंट दबाने से पहले आप ये ख्याल रखना कि जो आपके नेल्स हैं वो आपके नेल्स बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर पॉइंट नंबर 1। ये जो हमारी आंखों का ये वाला हिस्सा है, ये देखिए, ये आई सॉकेट है, जो हमारी आंखों का इस सॉकेट के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए, अपना जो ये अंगूठा है या आप अपनी मिडिल फिंगर कर सकते हो, ये इस तरह से अंगूठा या मिडिल फिंगर इस तरह से, ये प्रेशर पॉइंट है सॉकेट में, जो टीयर बड है उसके एकदम ऊपर, इस तरह से सॉकेट के अंदर अपने अंगूठे को प्रेस करना है। यू ये देखिए, आप मन में 20, 30, 40, 50 जितना चाहें काउंट कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको कितना करना है, कितना आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। आपको अभी आदत नहीं है तो पहले आप कम कीजिए और आगे आगे थोड़ा टाइम बढ़ा देना। दूसरा जो पॉइंट है वो है आई सॉकेट के ये अंदर, अपनी आंखों का बिल्कुल मिड एरिया में। ये देखो, ये हमारी आंखों का बिल्कुल मिड एरिया है, इसमें यहाँ आई सॉकेट के अंदर इस तरह से अपने अंगूठों को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये मेरा आई सॉकेट है, इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर मैंने अपनी अंगूठों को प्रेस किया हुआ है। मैं ये 100 टाइम करती हूँ, सारे पॉइंट्स अपने मन में 100 काउंट करती रहती हूँ। 100 कंप्लीट होते ही फिर मैं छोड़ देती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने करने हैं, बहुत ज्यादा भी मत करना, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। पता चला जी कि आपको एक ही दिन में रिंकल्स ठीक करने और बस दबाए बैठे हो, हर चीज की अति बुरी है। कभी भी अपने शरीर के साथ
बहुत अति में कभी मत पड़िए, ये बहुत हार्मफुल रहता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये आई सॉकेट, ये जो है हमारी आंखों का, ये आई सॉकेट जो है ये यहाँ हमारी जो यहाँ जॉइंट है एक, थोड़ा उभार सा फील होएगा आपको अपनी आई सॉकेट में, इस तरह से अपनी आंखों को आप प्रेस कीजिए। जब आप ये प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे हर रोज, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपकी जो पफी आईज हैं वो भी कम होंगी, खत्म ही हो जाएंगी, और ये आपका जो और रिंकल्स की जो आपकी समस्या है वो भी खत्म हो जाएंगी। शीरो उधर बैठो बेटा, उधर बैठो। चौथा जो प्रेशर पॉइंट है वो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें अपनी उंगलियों को सॉकेट के अंदर इस तरह प्रेस करना है, ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखें पॉप होके बाहर आ रही हैं। आप अपनी काउंटिंग देख लीजिए कितनी काउंटिंग तक आपको करना है, और इसके बाद आप अपनी आंखों को छोड़ दीजिए। सबसे आखिरी वाला जो प्रेशर पॉइंट है वो ये है, जो हमारी टीयर बर्ड है, ये टीयर बर्ड को निचले हिस्से से इस तरह से प्रेस करना है। बस ये पांच वो प्रेशर पॉइंट थे जिन्हें मैं हर रोज दबाती हूँ और जिनकी वजह से मेरी आंखों को बहुत फायदा हुआ है। झुर्रियां भी इन्हीं की वजह से चली गई हैं, जो पफी आईज हैं वो भी इन्हीं प्रेशर पॉइंट को दबाने की वजह से गई हैं, मेरी आंखों की रोशनी भी इन्हीं की वजह से ही वापस ठीक हुई है। जब मेरे पहले रिंकल्स आए थे मैंने कुछ दिन करके अपना छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन लॉकडाउन में मेरी आंखें कमजोर हो गई और मेरी आंखों पे नंबर आ गया था चश्मे का, तो उसके लिए मुझे फिर से ये स्टार्ट करना पड़ा। और जब मैंने ये स्टार्ट किया, कुछ ही दिनों में मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, फिर से उसी तरह एकदम शार्प दिखाई देता है जैसी मेरी आंखें हमेशा से होती थी। दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हो। और जो एंटी एजिंग सीरम है जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे उसको जरूर बनाइए। उससे बढ़िया कोई एंटी एजिंग सीरम मैंने अभी तक तो यूज नहीं किया है। मैं उसे खुद पे यूज करती हूँ और उसका रिजल्ट बहुत कमाल का है। मैं खुद यूज करती हूँ इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी उसे बनाइए, उसे यूज कीजिए। आपके चेहरे की झुर्रियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में फर्क दिखेगा आपको। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाना, और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।